हमने जलाई है बर्फ के ऊपर, अब क्या पता बर्फ नीचे को ना धस जाए। तो केलोंग, ये अपना बिलिंग, ये केलोंग, और यहाँ से चढ़ेंगे और आपने टैशी भाई एक्सट्रीम। जुले गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज हम एक पिकनिक पे जा रहे हैं, मैं और विक्रम और टैशी भाई, वो जो बाहर गए अभी तेल भर रहे हैं पीछे, तो अभी गाड़ी में तेल भर रहे हैं। तो हम जाएंगे उस साइड जहाँ बर्फ दिख रही है आपको, और हम वहाँ चिकन भी पकाएंगे और टैशी भाई सब्जी भी करेंगे। ओके गाइस, हम करदंग पहुंच गए जहां हमने स्की करना था, पर यहां पीछे थोड़ी बर्फ थी तो हमारी गाड़ी फंस गई है। तो इससे आगे हम पैदल ही जा रहे हैं, पैदल मार्च। मैंने सामान उठा दिया, इन्होंने भी उठा दिया है भाई ने, और भाई आ रहे हैं गाड़ी लगा के। तो अभी हमारे को यहां से आगे जाना है, और ये स्लोप्स दिख रहे होंगे आपको, यहां से थोड़ा दिखेगा नहीं, तो वहां ऊपर जाना है। तो आज फुल फन रहेगा गाइस, और बने रहे आप। ओके गाइस, अब हम अपने सफ़र में निकल चुके हैं, टैशी भाई भी लोड हो चुके हैं, भाई भी लोड हो चुके हैं, और ये देख सकते हो आप केलोंग का नज़ारा। थारा भाई देसी ब्लॉगर। ओके जी, अभी कंटिन्यू चल ही रहे हैं अब हम, और यहाँ से चढ़ेंगे। और कितना दूर है? आधा घंटा। ओके, अब आधा घंटा और ट्रैक करेंगे हम। कैसा लग रहा है ट्रैक पे? बढ़िया बढ़िया। ओके, इस व्यू को देखकर कैसा लग रहा है? वाह यार, ये तो पूरा केलोंग दिखाई दे रहा है। यस गाइस, देख सकते हो आप भी केलोंग पूरा यहीं से। वो फेमस केलोंग। अब हम चढ़ाई पे आ चुके हैं सड़क छोड़ के, तो थोड़ा हार्ड था चढ़ना, बट कुछ बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा हमारे को, है ना। और जॉनी भाई आ रहे हैं अपने फुल ऑन। तो जैसा हम क्या। ओके गाइस, अभी धूप भी तेज़ है और बर्फ़ पिघल चुका है, यहाँ देखो बर्फ मतलब सॉफ्ट हो चुका है धूप से, तो काफ़ी अंदर तक जा रहे हैं हमारे पैर, तो चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और अपने जैसा अभी फंस चुके हुए, और हम अभी थोड़ा सा ऊपर हार्ड क्लाइंब करने का। वन ओ ओके गाइस, मैं चढ़ता हूँ। आप एंजॉय कर सकते हो व्यू को गाइस। केलोंग, ये अपना बिलिंग, ये केलोंग, और ये अपना कैंपिंग स्टेशन। काफ़ी हार्ड चढ़ाई थी, हम वहाँ से आए उस घर से, अभी कंटिन्यू चले। मैं लकड़ी लेके जा रहा हूँ वुड फायर के लिए ऊपर, क्योंकि ऊपर थोड़ी लकड़ी भी नहीं है, पेड़ भी कम है इसलिए। तो ओके ओके, विक्रम जी आ चुके हैं, मेरे को लगा था गुम हो चुके हैं। पहुँच ही गए आखिर में विक्रम भाई। विक्रम भाई, बर्फ़ का ठंडा पानी पियो, तभी आप में एनर्जी आएगी। वहाँ है देखो नलका। ओके गाइस, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हो, देख सकते हो आप, और अपने जोनी भैया अभी पहुंच ही गया आखिर में, और यहाँ हवा भी बहुत तेज चल रही है अभी, और यहाँ से लाइट भी हुआ, ठंडा भी है, धूप भी नहीं है ना। तो ओके, अभी हम सेटअप करेंगे एक अच्छी सी लोकेशन देख के, तो आप लोगों को कटी। कौन सा लोकेशन? पत्थर, वो ठीक लग रहा है ऊपर ऊपर ना। हाँ वो वाला, वहीं जाना पड़ेगा।
फिर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँच के? वहाँ ऊपर डग्गे के पास जाएंगे, कैसा लग रहा है आपको पहुँच के? मज़ा आ गया क्या? हार्ड था क्लाइम, बहुत हार्ड। चलो ऊपर कोई नहीं, और टशी जी अपने तो रोज ही चढ़ते रहे थे, यहाँ आना जाना इनका रोज का। इनको हार्ड नहीं लगा, मेरे को मीडियम हार्ड लगा। चले अब एक और पत्थर चाहिए पीछे, वो यही है पत्थर हमारे कहाँ है प्लेन माइयो, ये वही है यहाँ मुश्किल थोड़ा नीचे तक जा रहा है। एक मिनट में बताता हूँ, आप नीचे बैठो, लो उसको रखो इसके आगे, हाँ इधर हो गया ना। अब दो चाहिए हमारे को प्ले सेम साइज के पत्थर। ओके लो जी, ला बस हो गया। एक मिनट ये यार ठीक है, उजाली कहाँ है? ओके गाइस, हमारा फाइनली सेटअप हो चुका है, जहाँ हमने अपना एक तरह से पिकनिक बोल सकते हो जिसको हमने बनाना था। ओके सेटअप कर चुके हैं और आग भी जला चुके हैं, पर आग हमने जलाई है बर्फ़ के ऊपर। आप क्या पता बर्फ़ नीचे को ना धस जाए। तो आज हम बना रहे हैं तंदूरी, और देख सकते हो गाइस तंदूरी के लिए हमने चिकन ले आए हैं, साथ में हमारे पास नींबू गार्लिक पेस्ट सब कुछ है, और साथ में हमने नमक और सब कुछ मसाला हमारा जो भी था, और अभी हम रेडी कर रहे हैं। तो चलो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट ये तैयार करता हूँ मैं। फाइटिंग नहीं है, अरे क्यों ये थोड़ा निकाल के देंगे आप, नहीं निकल रहा मेरे से। ओके गाइस एक मिनट, थोड़ा सा इसको करना पड़ना, ये निकलेगा। हाँ वो फाड़ के दे दो ऊपर से, फट गया। ओके और व्यू भी देख सकते हो आप गाइस सारे, हो गया हमारा पहला गार्लिक पेस्ट निकल चुका है। और ये ऐसा मत सोचना कि कोई प्रोफेशनल तरीके से बन रहा है, ये अपना देसी स्टाइल है। अगर स्वाद आ गया तो ठीक, नहीं तो हम फिर भी खा लेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास दूसरा। और आग भी अच्छी जल रही है हमारी। ओके ये फर्स्ट हमारा तैयार, एक दो तीन चार पीस निकाल रहा हूँ मैं, और चिकन के पीस भी चलो ठीक ही काटते हैं। एक तो अच्छा, हमारे पास ये क्या हो गया, बंद हो गया? नहीं नहीं चला है वो, क्लिक करो स्क्रीन पे। अच्छा। गार्लिक पेस्ट कम है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे सब पे, ताकि सब करे। और क्योंकि हमारे पास बड़ा बर्तन भी नहीं है जिसमें हाँ चिकन ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको एक तो नमक भी निकालना है। नमक भी ज़्यादा है हमारे पास, नमक बहुत ज़्यादा है, नमक की कोई कमी नहीं है। हमने सोचा था क्या पता यहाँ कोई मिल जाए तो उसको हम खिला सकते थे थोड़ा बहुत नमक वगैरह, और यहाँ है नहीं तो फिर अब क्या कर सकते हैं। हाँ ये तो है, नमक को हम नीचे जो हमारे वाले जिस अंकल ने हमें ये रॉड दी है उस अंकल को दे देंगे हमें नमक, उस अंकल का धन्यवाद करते हैं। हाँ उनके उनके बैल को खिला देंगे। हाँ उनके बैल नीचे है अभी, बेटू भी है वहाँ पे। तो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे हमारे शेफ साहब। हमारे शेफ साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से हूँ जी, अपने यंगन से, यंगन यहीं पड़ता है बटन गली में विलेज। बस ये जो सामने वाला पहाड़ है इसको क्रॉस करके यंगन जो है मेन रोड लो रोड से ऊपर ही पड़ता है। यहाँ से केलोंग सामने का नजारा देख रहे हैं, केलोंग केलोंग से ऊपर हमारा शशुर गोंपा दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। हाँ हाँ सब सारे गोंपा दिख रहे हैं, तयूल गोंपा देखो, बोकर गोंपा भी दिख रहा है, तयूल गोंपा ऊपर देखो, तयूल गोंपा भी दिख रहा है, वहाँ से वो ही सारे ही गोंपा दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। यही है बस, इतना ही है केलोंग जो एरिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया देख सकते हैं आप, उस नाले से लेके इस नाले बिलिंग नाले से लेके शाकस नाले तक फैला हुआ है ये पूरा केलोंग। और ये कार्दंग गोंपा देखो, सामने कार्दंग गोंपा है, कार्दंग गोंपा भी दिख रहा है यहाँ से। हाँ वाह, हमारा फर्स्ट रो मटेरियल तैयार हो चुका है जैसे देख सकते हो, पर इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। आप लोग सोचोगे कि ये तो सिंपल चिकन ही दिख रहा है, पर हमने इसमें खाने नमक खाने के लिए स्वाद अनुसार बनाया है। तो अभी ट्राई करेंगे फर्स्ट ही है, क्योंकि हो भी सकता है या ज्यादा कुछ गड़बड़ हो जाए। इसको तो डालो मिर्च के दानों को भी। हाँ यार मिर्च का है, ये हमारा स्पेशल स्पेशल और स्पेशल इंग्रेडिएंट है हमारा, लेके आया हूँ मैं। ये नहीं ये निकालो, इस पे पता क्या है देखो आप,
ये तो देसी जो हमारे मसाले होते हैं ये वो है इसको यहाँ देगा हमारे को इसको पकड़ो उड़ ना जाएगी बस मैं थोड़ा थोड़ा निकालता रहा ये देखिए हमारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे और ये हमारे चलो कोई नहीं बर्फ में गिरता रहता मुझे लगता है इसके लिए एक अच्छा तभी तो मजा आएगा यार बर्फ का स्वाद भी थोड़ा इसमें आना चाहिए ऊपर से बर्फ का जो फ्लेवर है ऐसे तो बनाना था इसको अलग से देखिए यहाँ पे देसी ओवन भी तैयार है अब बस ये कोयला बनने ही वाला है उसके बाद फिर बस हमारा ये थोड़ा रेडी हो चुका है और आग को थोड़ा सा और ये देख सकते हो गाइस हमारे पास चाकू भी नहीं था तो हमने ये चाकू बनाया देसी देसी भी नहीं बोल सकते इसको नेचर चाकू बोल सकते क्योंकि नेचर के उससे बनाया और ये हमारे दिखने में आप बोलेंगे हे क्या ये क्रोजन जैसा पर ये पत्थर है एक्चुअली में और इसकी धार भी बहुत तेज है और हमने स्पेशल बनाया इस चाकू को और इसको यूज ऐसा करेंगे हम जैसे ये देख रहे हो अब थोड़ा सा इसमें कट मारता हूँ मैं और ये बहुत अच्छा कट मारता है ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा कट मारा क्या जबरदस्त और बहुत ईजी से बहुत सही चाकू है और ये देख सकते हो यहाँ देखो बस और इसको हम स्टोर क्या करते हैं यहाँ अंडरग्राउंड बर्फ में अंडरग्राउंड मार्केट में फर्स्ट पीस जो है वाह वाह पहला पीस हमारा चला गया है हमारे देसी ग्रिल में देसी ग्रिल इसको बोल सकते हैं सीख कबाब सीख कबाब सीख कबाब बन रहा है हमारा अगर आप ये कबाब खाना चाहते हैं तो आप केलोंग के बरबोग ऊपर वाली पहाड़ी में आ सकते हैं बुकिंग इसको भी एक मिनट पहले इसको कर सकते हैं आप देखो वाह 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 बस बस ज्यादा थोड़ा दूर थोड़ा देखने में जबरदस्त और बिल्कुल इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आएगा वाह थोड़ा नीचे रखो इसको डिस्टेंस ना ये कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच गया इसके ये आग लंची थोड़ी है क्या आएगा इसका क्यों गाइस सेटिंग करते हैं वजन पर सेट जाने तो अपने से बस इतने पे रखो ना इसको इसको इस अंदर ही रखो एक ऐसे ऐसे ऊपर हो जाएगा आपको ऐसे रखना है तो फिर ऑलमोस्ट ये तो हो ही गया चल चल नीचे जा रहा नीचे पकड़ो उसको रख दिया लो सारे निकालो ये मैं रख देता हूँ पहले ओके गाइस हमारा नेक्स्ट लोड आ चुका है ये है ना नेक्स्ट लोड बढ़िया बढ़िया काटेंगे देसी चाकू से नींबू कटेगा और सब में बटेगा आप लजीज कैसे कैसे बताना आपने चालू हो गया हो गया चालू देखिए यहाँ पे जो हमारे हेड शेफ नीरज शर्मा और हमारे असिस्टेंट साहब आपने जो बनाया है वाह क्या जबरदस्त बनाया हुआ चख के बताइए आप इसे कहते हैं एक हिल में चिल करना चिल इन आर द फ्रॉम हिल द चिल और एंजॉय करिए जा रहे हैं हमारा दूसरा लॉट लग चुका है और इसमें देख सकते हो क्या लाजवाब है ओके गाइस स्टे ट्यून ओके गाइस हमारा पिकनिक कंटिन्यू चला है और आप देख सकते हैं यहाँ अपना चिकन पक रहा है पक ही रहा है और अभी हम बैठे हुए हैं और टैशी भाई यहाँ स्कीइंग करने गए थे वो दिख ही नहीं रहे कहीं अंदर से चले गए ओ यार वहाँ दिखे वहाँ डबल पलटा मारा वो गिर जाओ तो आप अब पूरा हीट हो जाएगा ज़्यादा ही ये भी दिखाई देगा ये लग जाएगा थोड़ा नहीं दिखेगा क्योंकि ये बिल्कुल ही थोड़ा सा नहीं होगा नीचे तो होगा ये ओके गाइस हमारा कैंपिंग का लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट चल पड़ा है अभी हमारा ये लास्ट है और सेकंड लास्ट है और ऊपर से बर्फबारी भी शुरू हो गई है गाइस देख सकते हो आप फुल ऑन बर्फबारी चलने वाली है लगता है और ये पक जाए तो हमारा जल्दी पक जाएगा ओके ओके गाइस आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आया अगर आपको भी मज़ा आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ओके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में